जो नाना रूप में सतीथि को लाभ कर रही हैं वे परमात्मा को प्राप्त होती हैं। हमने ये देखना है कि जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है, यानी एक स्थान पर भगवान रहता है इस धूलोक के, यानी ऊपर दिव्य तृतीय पृष्ठे, उस दिव्य लोक में, अलौकिक लोक में, उस तेजो में स्थान सतलोक में के तीसरे स्थान एक स्थान पर वह विराजमान है। हमने ये लेना कि वहाँ पर रहता है, और देख लेते हैं, क्लियर करते हैं, परमात्मा एक स्थान पर रहता है। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का ये देखिएगा, और प्रश्न श्लोक नंबर 18 में ये तृतीय धामम महिष्य शिष्य संत सोम विराजमान अनुराजती सप्तूप, इसका यहां अनुवाद किया इन्होंने, वह सोम स्वरूप परमात्मा, सोम स्वरूप परमात्मा वो अमर परमेश्वर पालन की इच्छा करता हुआ सबका धारण पोषण करने के लिए जो महान परमात्मा देवयान, यह तृतीयम धाम देवयान और पित्रयान, इन देवयान पित्रयान नहीं, इन दोनों से हमने लिखना तीसरा जो मुक्ति धाम है तृतीयम धाम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है ये ज्ञान योगी, इनने खाम खाड़ा दिया, इसका कोई लिंक नहीं, इसे वह परमात्मा तीसरे धाम में विराजमान है, यहाँ विराजमान लिखना। अब यहाँ क्लियर हो गया, इन्होंने वहाँ अड़ंगा डाने की चेष्टा की अनुवाद में, तो नौवें मंडल के 86वें सूक्त के मंत्र नंबर 27 में ना आप पे लिख दिया कि जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ बैठा है एक स्थान पर रहता है। आगे देखना, वहाँ से फिर गति करके आता है, ये देखो 8वें अध्याय का 9वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 82 और इसका मंत्र नंबर 1 में, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश रूप सद्गुणों से की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजीव राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है, दर्शनीय साकार है, वह पृथ्वी लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्देमान हो रहा है, वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार उक्त गुण वाला परमात्मा आता है। अब यहाँ नीचे देखो, वो उसका उद्देश्य ये, इसका तो ये अर्थ बना है कि जैसे बिजली गिरती है अपने उसके गिरने वाले स्थान पर गिरती है, जैसे पहले थाली बेले कांसी के वार्ते कांसी धातु के, उन कांसी धातु के ऊपर बिजली गिरा करती, तो कहते वो उसी पर गिरती है, विशेषकर विशेष परिस्थिति में ही वो वहाँ आती है, विशेष स्थान पर ही गिरती है। तो ऐसे ही वो परमात्मा विद्युत उन दृढ़ भक्तों को, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जैसे बिजली काशी पर गिरती है, ऐसे उस अच्छी आत्मा को ही परमात्मा मिलता है। वो किस उद्देश्य से आता है, दूसरे मंत्र में, हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान
यानी बहुत तेजों में मन से भी तीव्र गति के साथ वो चलते हैं, हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते होते हैं। आप इन्होंने यहाँ लिख दिया आप कवि हैं, कवि का अर्थ लिया सर्वज्ञ हैं, नहीं आप लिखना था आप कबीर देव हैं। यहाँ देखो कवि शब्द लिखा है ना, इसने यहाँ लिखना था कबीर देव, लिख देते आप कबीर देव हैं। अब जैसे इन्होंने इसलिए अड़ंगा अड़ा दिया यहाँ पर, अनुवादकर्ता जो है ये महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, आर्य समाज के आचार्य, और दयानंद कहता है कि भगवान निराकार है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता, वो तो बस वायु की तरह सब जगह व्यापक है, वो दिखाई नहीं देता, और वेदों को वो सच्चा मानते हैं, और वेद कहते हैं तो साकार है, एक स्थान पर रहता है, और उसका नाम कबीर देव है। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद की कहीं पर महिमा बताई गई हो किसी सदग्रंथ में, अब ये यजुर्वेद है ऊपर रैला गया है, और इसको हटाकर यहाँ दो अपसर्ग भी लगा देते हैं, ये देखिएगा प्रकाशक कौन है इस यजुर्वेद के, सार्वदेशिकारीय प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, ये इनके फैक्स और फोन नंबर हैं। अनुवादकर्ता कौन है, महर्षि दानंद सरस्वती, मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली यहाँ पर। अब इसके 36वें अध्याय के मंत्र नंबर 1 में इस यजुर्वेद और यज्ञवेद आदि की महिमा कही गई है, ये है 36वां षट्तरीस अध्याय आरंभ, षट्तरीस माने 36। इसमें यह मूल संस्कृत में ये यजु शब्द लिखे यजुर, इसको हम यजुर भी बोल सकते हैं, यजुहु भी कह सकते हैं, लेकिन जहाँ ये यजु शब्द लिखा है लिखना पड़ेगा किसके विषय में जानकारी है, ये 36वें का प्रथम, तो यहाँ इस दानंद जी ने ही खुद अनुवाद किया हुआ है, ये यजु शब्द को ऐसे लिखा है, और इसका अर्थ संस्कृत में ये ऐसा है कहीं वर्णन करते हुए, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा इसने, ये ठीक लिखा है, क्योंकि जब तक यजुर्वेद नहीं लिखांगे तो इस यजु का अर्थ भी कर दिया मान ले, तो इस यजुर्वेद के बारे में जानकारी कैसे होगी कि कौन है इसकी महिमा गाई जा रही है, वो कोई पुस्तक है, कोई ज्ञान है, उसको यजुर्वेद लिखकर ही डिफाइन किया जा सकेगा, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। तो इसी प्रकार जहाँ इन्होंने ये कबीर देव लिख दिया, जहाँ कवि लिखा है वहाँ कबीर देव लिखना पड़ेगा इनको। अब जहाँ वैसे तो कवि माने काव्यकार होता है, और वो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को बोलता है, तत्व ज्ञान को बोलता है, जिस कारण से उसको प्रसिद्ध कवियों में से भी एक जाना जाता है, कवियों कवि के नाम से भी प्रसिद्ध होता है। अगर ऐसे कोई कवि की व्याख्या कहीं वर्णन आता है तो वो कवि लिखना ही पड़ेगा कि वो काव्यकार है, अन्यथा जहाँ कवि शब्द है, कबीर शब्द है, वो लिखना पड़ेगा ये कबीर देव है। संस्कृत में उसको कबीर देव कहते हैं, हम अपनी लोकल भाषा में कबीर साहब कहे हैं, देव कहो, साहब कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, तो कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब अपने हम, क्योंकि हम सीधे अपने देसी इंडियन लैंग्वेज में सब जगह से हम वेद को वेद बोलते हैं, वह को वह ही बोलते हैं। ऐसे ही कुरान शरीफ में कबीरन खबीरन उसी परमात्मा सर्वशक्तिमान का ही नाम है, उसका सिर्फ भाषा में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, नाम वही यथार्थ मंत्र नाम है भगवान का। आगे दिखाते हैं आपको कबीर देव, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 यहाँ लिखा पर कबीर देव वीतए अवे। ये कबीर देव लिखा है, इन्होंने इसको अलग कर दिया। वह परमात्मा कबीर का अर्थ लिख दिया मेधावी, यहाँ लिखना था वह परमात्मा कबीर देव है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है और सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, वह कबीर देव है। ज्ञान देने के लिए वो आता है। पुण्यात्माओं, आज जो सत्संग दास शुरू करना चाह रहा है उसकी तो अभी तक भूमिका भी नहीं बनी है। जो जहाँ ये दास आपको ले जाना चाहता है, जो ज्ञान आपको कराना चाहता है, उससे पहले ये इतना सारा प्रमाण आपके समक्ष रखना अनिवार्य है। अन्यथा आप जी जो दास ये कथा सुना होगा धर्मदास जी और कबीर साहब की वार्ता का, आपको विश्वास है ना होता। अब आपको इन सब का झाड़ा दे दिया कि ब्रह्मा को किसा ज्ञान है, विष्णु को किस कैसा ज्ञान है और वेद क्या प्रमाण देते हैं उस परमेश्वर के विषय में, और थोड़ा सा झाड़ा और देते हैं, थोड़ा सा ज्ञान और कराते हैं कि सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था, तब आपका ये परमेश्वर कबीर देव और प्यारी आत्मा धर्मदास जी की वार्ता समझ में आओगी। ये देखिएगा, ये वही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इसके 414 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। छठे सकंद में, छठा सकंद 414 पृष्ठ पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग यानी व्यास जी से पूछ रहे हैं जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे हैं और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। ले आलिया ओड सतयुग के ब्राह्मणा का, ब्राह्मण को चे महर्षि ऋषि कहो, वो कहते हैं वो वेद के पूर्ण विद्वान थे और भक्ति दुर्गा की पूजा करते थे, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय में उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी मंदिरों का लठी ननगढ़वाया, सतयुग तो शुरू करवा रखा है इन्होंने। अब क्या बताते हैं, धर्म की ये स्थिति त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन उन प्राचीन युगों में पहले वाले सत्य द्वापर त्रेता और सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। वो तेरा गजब भैया, जो ऊपर पहले वाले लोका में युगों में जो राक्षस थे वर्तमान के इसे तो ब्राह्मण हैं कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये इतना प्रसंग